नमस्कार, मैं RS रोहिला आज आपको बताऊंगा कि बारिश से पहले पुदीने के साथ क्या करना चाहिए, मतलब उसके साथ क्या एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि बारिशों में पुदीना सड़े ना, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से भी पुदीना खराब होने लगता है और हवा में ज़्यादा नमी हो और टेम्परेचर भी हाई हो तो ऐसे समय में पुदीना सड़ने लगता है और उसमें अपने आप में ही एक बीमारी आ जाती है जिसको ब्लाइट बोलते हैं और वो पूरा का पूरा पुदीना सूख जाता है। तो ये आपके सामने पुदीने का प्लॉट है और इसमें खूब सारा पुदीना लगा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि पुदीना इन दिनों में मार्च अप्रैल मई जून के महीने में पुदीना बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, हवा में नमी कम होती है और मौसम इसके लिए बिल्कुल कंडीशिव होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है तो पुदीना बहुत तेजी से बढ़ता है। तो देखिए ये आपके सामने पुदीना है और ये पुदीना इतना बड़ा हो जाता है 3-4 महीने में, कटता रहता है जाता रहता है, कटता रहता है जाता रहता है, लेकिन मार्केट में भी एक किसी भी आइटम को बहुत ही ध्यान से देना होता है, बहुत ज्यादा देंगे तो भी उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये पुदीना देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो अभी बारिश आने वाली है एक महीने के अंदर अंदर, तो इस पुदीने को क्या करें, इतने बड़े बड़े पुदीने को क्या करना चाहिए। देखिए पुदीने की हाइट कम से कम डेढ़ डेढ़ दो दो फीट की करीब हो गई है और इतना बड़ा पुदीना अगर बारिश में रहा तो जरूर ये है सड़ जाएगा सारा का सारा और पुदीना टिक नहीं पाएगा। और फिर पता चला कि बारिशों में पुदीना सप्लाई करने के लिए या मार्केट में देने के लिए या दो पैसे कमाने के लिए पुदीना खत्म हो गया है। तो इस पुदीने को हमें क्या करना है, अभी जून के महीने में फर्स्ट वीक में ही पुदीने को जमीन के नजदीक से, ऊपर से नहीं काटेंगे, बिल्कुल जमीन के नजदीक से एकदम सटा के, ताकि जो भी कल्ला आए नीचे से निकल के वो जमीन के अंदर से जो जड़ें हैं पुदीने की उसमें से निकल के आना चाहिए। ये देखिए आपके सामने ये काटा हुआ पुदीना है, ये अभी 4-5 दिन 6 दिन पहले काट दिया है। तो ये पुदीना अभी एक एक दो दो तीन तीन इंच के करीब हुआ है और ये देखिए जमीन के बिल्कुल नजदीक से कटा हुआ है और ये जो भी कल्ला आता है वो जमीन के अंदर से निकल के आता है ताकि वो एक अच्छा पुदीना आ सके। ऊपर से नहीं काटना, अगर डंडे होंगे तो उसी में से कल्ले निकलेंगे, पतले पतले रह जाएंगे और वो एक अच्छा पुदीना नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आप पुदीने को काट दें और वो नया पुदीना जमीन में से जड़ में से निकल के आएगा, वो पुदीना बारिश को झेल लेगा और खुला खुला रहता है, छोटा रहता है, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का असर उसके ऊपर कम होता है और बीमारी उसमें नहीं लगती है। तो इस तरीके से पुदीने को जरूर काट दे, अदरवाइज इस तरह से अगर बहुत बड़ा बड़ा पुदीना होगा, देखिए दो दो तीन तीन फीट का पुदीना हो गया है और ये पुदीना सब सड़ जाएगा अगर बारिश में घुस गया तो। बारिशों के दिनों में अगर ये पुदीना रहा तो जरूर सड़ेगा ये। और इस पुदीने को बने रहने के लिए, बरकरार रखने के लिए हर हालत में पुदीने को जड़ के नजदीक से काटें, ध्यान रहे जड़ के नजदीक से काटें, ना कि ऊपर से काटें इसको, क्योंकि अगर जमीन के नजदीक से डंडे रह जाएंगे तो उसमें जो अभी कल्ले निकल के आएंगे वो बहुत पतले पतले होंगे और पुदीना भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए पुदीने को जरूर जो है बारिश से पहले अभी एक बार काट के बेशक यूं ही हटा दें या जितना मार्केट में जा सकता है मार्केट में दे दें और बाकी को हटा दें, वरना बारिशों में हर हालत में पुदीना दिक्कत में आएगा और वो सड़ जाता है, फिर वो किसी भी काम का नहीं रहता है। पता चला कि बारिश के बाद पुदीना सप्लाई करने के लिए है नहीं। पुदीना एक ऐसी फसल है जो पेरिनियल होती है, सालों साल चलती है, अगर आप उसको सही तरीके से रखेंगे, सही समय से काटेंगे तो वो पूरा साल चलता है। सर्दी में पुदीने का रेट और भी महंगा होता है, तो मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है कि सर्दी में पुदीने को किस तरह से बचा के रखें ताकि आपको सर्दी में पुदीना देने के लिए मिले, क्योंकि तली हुई चीजों के लिए चटनी बनाते हैं लोग और पुदीने की चटनी सर्दियों में बहुत ज्यादा चलती है, इसलिए आप इसको सर्दी के लिए बचा के रखेंगे, वो मैंने एक वीडियो डाली, वो आप देख सकते हैं। और इस तरीके से पुदीना जरूर अभी काटें, क्योंकि पुदीना देखिए ये बहुत बड़ा बड़ा पुदीना हो रखा है, इसको भी काट रहे हैं इसी तरीके से ताकि ये एक महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा हो जाए कि बारिश को आराम से झेल सके और अच्छा पुदीना मार्केट में देके पैसा कमाया जा सके। धन्यवाद।